नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील यादव और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल टॉप क्रूज पे। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड विदाउट स्किल मैं 5 टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और ये पांचों के पांचों टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इनके वर्जन को यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर हम इन सारे टूल्स को यूज करके ना बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं, या फिर आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए, या फिर आपको अपना वेडिंग इन्विटेशन बनाना तो वो भी बना सकते हैं आप इस पे। अगर आपको अपने SEO वर्क करने के लिए भी छोटे मोटे से डिजाइन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, और अगर आपको भी बड़ा डिजाइन बनाना है वो भी आप इससे आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे जो पहला टूल है उसका नाम है कैनवा। कैनवा पे क्या होता है कि इस टूल की जो खासियत है, इसके अंदर हम वीडियोज भी बना सकते हैं, जिफ भी बना सकते हैं, और फोटोज भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। इसको हम PNG में डाउनलोड कर सकते हैं, जिफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम नॉर्मल जिफ में भी, फोटोज में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है। इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट करिएगा जब भी आपको कोई भी डिजाइन बना रहा हो, कोई भी डिजाइन, यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, किसी से भी रिलेटेड, चाहे बैनर बनाना हो, 30 सेकंड की वीडियो बनानी हो, तो आप सबका सब सारी की सारी चीजें यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, बट अपने दिमाग को यूज करके। इसके लिए कोई ज्यादा, जो दूसरा टूल है उसका नाम है बैनर स्नैक। बैनर स्नैक भी सेम टू सेम कैनवा की तरह काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हम अपने, अगर फेसबुक पे पोस्ट बनाना है, फेसबुक का पोस्ट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, इंस्टाग्राम का पोस्ट बना के, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पोस्ट बना के हम अच्छे से अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। और अगर हम चाहें कि इन्हीं डिजाइन को हम बेच सकें, तो अब इन डिजाइन को किसी कंपनी के लिए, किसी एजेंसी को दे दो, तो आपको वो अच्छा अमाउंट भी पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी कि आपकी एक इनकम, साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना टाइम देना है, चीज़ों को अच्छे से सीखना है, और अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छा डिजाइन निकल के आ जाएगा। जो हमारा तीसरा टूल है उसका नाम है डिजाइनर। डिजाइनर भी हमारा सेम टू सेम कैनवा की तरह और बैनर स्नैक की तरह काम करता है, क्योंकि इसके अंदर भी हम पोस्ट बनाने के लिए काम करते हैं, बट इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैनवा यूज करेंगे, बैनर स्नैक यूज करेंगे, या फिर डिजाइनर यूज करेंगे। मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको अपना ऑप्शन बताया है। बाकी आपको जो यूज करना है आप वो यूज करिएगा। इसका भी सेम टू सेम वर्क होता है कि आपको PDF बनाना है, जिफ बनाना है, कुछ भी आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क करना है, SEO से रिलेटेड डिजाइन करना है, बेसिकली आपको कोई भी पोस्ट डिजाइन करना है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, और आपको इससे बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे बनाने के लिए, और उन्हीं डिजाइनिंग को आप किसी भी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, और अपने अपने उनसे अच्छी खासी अमाउंट भी ले सकते हैं मंथली। जो चौथा हमारा अमाउंट है उसका नाम है पैब्लो बाय बफर। पैब्लो बाय बफर ये भी सेम टू सेम इन्हीं तरह की टूल है, इन्हीं तरह की वेबसाइट है, जिससे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कई तरह के साइजेस की अगर कोई दिक्कत होती है, तो हम साइजेस वाइज भी अपने अपने ग्राफिक्स को बना सकते हैं, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती जब भी हम इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट्स कंप्लीटली सिक्योर होती हैं। आपका अगर कोई डेटा भी अगर आप इसके अंदर बनाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो आप उसको भी बना सकते हैं। मैं खुद एक मिनिस्ट्री के अंदर काम करता था, तो वहाँ पर भी हम इन्हीं टूल्स का यूज़ करते थे, तो इसीलिए मैं आपको ये सारे टूल्स बता रहा हूँ, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें। क्योंकि मेरे को भी पहले फोटोशॉप नहीं आता था, इलस्ट्रेटर नहीं आता था, कोरल ड्रॉ नहीं आता था, पर अब मेरे को चीज़ें वो आती, तो मैं उनको भी यूज़ करके बना लेता हूँ। बट स्टिल अगर किसी पर्सन को ये सारे के सारे टूल्स नहीं आते हैं, ठीक है, किसी को फोटोशॉप चलाना नहीं आता है, किसी को कोरल ड्रॉ चलाना नहीं आता, तो वो कैसे करेगा डिजाइन, उसको अगर अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो ये सबसे बढ़िया टूल्स हैं। आप चाहे कैनवा को यूज़ कर लीजिए, चाहे बैनर स्नैक को यूज़ कर लीजिए, चाहे डिजाइनर को यूज़ कर लीजिए, चाहे आप अपने पैब्लो बाय बफर को भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट और आखिरी जो हमारा टूल है उसका नाम है स्नैपा। स्नैपा भी इन चारों की तरह काम करता है। तो मेरा काम था इन पांचों टूल को आपको बताना। इन पांचों पांचों टूल का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप इन सारे के सारे पांचों टूलों को यूज़ कर लीजिए। स्नैपा भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बट डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये पांचों के पांचों वर्ल्ड के सबसे बेस्ट टूल्स हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारे के सारे टूल्स बताए, क्योंकि मैं अपने खुद एजेंसी के अंदर इन्हीं टूल्स को यूज़ करता हूँ, और अपनी अपनी जो अगर SEO के लिए यूज़ करना है तो फिर SEO के लिए ग्राफिक्स बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, ठीक है, तो इन्हीं से हम डिज़ाइन करते हैं सारी की सारी चीज़ें। बाकी अगर हमें प्रोफेशनल, ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ चाहिए होती है, तो फिर हम वो सारी की सारी चीज़ें फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कलर ड्रॉ, इन सारी चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी टूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको किसी का पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो फिर बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं उसका पूरा ट्यूटोरियल बना के आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आप अपने अच्छे से अच्छे स्किल्स को इन्हांस कर सकें और एक अच्छा अमाउंट महीने का अर्न कर सकें, या फिर अपने पैसे बचा सकें जो आप अदर एजेंसी को या फिर किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।